अ जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल स्टेप. मतलब अगर आपको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, बहुत आगे जाना है, तो उसकी शुरुआत बस एक कदम से होती है. और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आप लोगों ने वो पहला कदम ऑलरेडी ले लिया है. आप लोगों की होमवर्क वीडियोस मिली. यू गाइज वर इम्पैकेबल. हैट्स ऑफ टू यू. इतना अच्छा लगा कि छोटी सी एनर्जी जो मैंने आप में इंस्टॉल करी थी वो इस तरह से मेरे पास वापस आई है. अब बस अगर शुरू किया है तो ख़त्म साथ में ही करेंगे. तीसरा दिन स्पोकन इंग्लिश कोर्स प्रेजेंटेड बाय ओशन इंग्लिश अकेडमी. मेरा नाम विदुषी है और आज की वीडियो में मैं आपको ग्रामर सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखकर ये बताया कि वो बेसिक लर्नर्स हैं. ठीक है, आप ही के लिए ये फाइट है. पर जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फील भी नहीं होगा कि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं. अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं या एडवांस्ड लेवल पर हैं, तो उस ग्रामर पैटर्न के साथ हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग शब्द सीखने वाले हैं, ऐसी वोकैबुलरी सीखने वाले हैं जिससे आपका सेंटेंस सिलेक्शन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा. यू विल बी एबल टू ब्यूटिफाई योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स. कलर कर पाएंगे आप अपनी लैंग्वेज को. और तीसरे लेवल पर मैं आपके साथ निंजा टेक्निक शेयर करूंगी जिससे आप वोकैबुलरी भूलना भूल जाएंगे. मतलब वोकैबुलरी को हमेशा के लिए अगर अपने माइंड में सेव करना है तो उस टेक्निक को फॉलो करना होगा. विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट अवे. अब थोड़ा काम वॉइस में बोलेंगे ताकि आप इस लेसन को समझ पाओ बिल्कुल इसकी गहराई तक और सेव कर पाओ अपने ब्रेन के सबसे इम्पॉर्टेंट फोल्डर पर. सो व्हेन द नीड अराइजेस यू कैन use these sentences without getting hesitant or nervous. जब सही टाइम आए तो आप इन sentences को सही से use कर पाओ. तो guys, इन sentences में देखो कहीं was use हुआ है, कहीं is use हुआ है, ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर मैंने आपको बोला आज गर्मी है और मैंने आपको बोला कल गर्मी थी, फ़र्क क्या है? एक समय में, एक सेंटेंस में हम आज की बात कर रहे हैं और दूसरे सेंटेंस में हम बीते हुए कल की. यही डिफरेंस है. इज एम आर आप आज की बात करने के लिए, मतलब प्रेजेंट टाइम की बात करने के लिए यूज़ करते हैं, और वॉज वर आप बीते हुए समय की बात करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे सेंटेंस है, व्हाट अ रेस्टोरेंट, द फूड देयर वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. क्या रेस्टोरेंट है, वहाँ का खाना. खाना एक है इसीलिए वॉज आया है. सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज और इज आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ पास्ट में वर और प्रेजेंट में आर आता है. सो द फूड देयर वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब बहुत ही बढ़िया, इस दुनिया से अलग है वो. तो इवन आप इसको लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. शी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. This painting is out of this world, out of this world. बोलने का सही तरीका, she is. The food there was. इन तीनों शब्दों को आप एक ही यूनिट बनाकर बोलें, क्योंकि आप ग्रामर भी समझ जाते हैं, वोकैबुलरी भी समझ जाते हैं, बोलने में आपकी स्पीकिंग वॉइस बिल्ड नहीं हो रही है. इसीलिए वीडियो को आराम से कोने में बैठकर देखो और बार बार प्रैक्टिस करो. घर में बहुत सारे लोग हैं, शर्म आ रही है, वॉशरूम में चले जाओ, छत पर चले जाओ, पार्क में चले जाओ, पर मेरे साथ प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करना. द फूड देयर वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, द फूड देयर वॉज, द फूड देयर वॉज. हर शब्द को सिर्फ 90% ही बोलना है, पूरे शब्द को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हिंदी लैंग्वेज में भी हर शब्द को इक्वल स्ट्रेस के साथ नहीं कहते. आप ये नहीं कहोगे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो. यही रिदम चाहिए आपको इंग्लिश बोलने में. द फूड वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. सेकेंड सेंटेंस, योर बिहेवियर वॉज आउट ऑफ लाइन. वॉज ने मुझे फिर बता दिया कि ये पास्ट की बात है, हम उससे अभी की बात नहीं कर रहे हैं. हम उस बंदे को बता रहे हैं कि कल जिस तरह तुमने बिहेव किया वो इनअप्रोप्रिएट था, एक्सेप्टेबल नहीं था, आउट ऑफ लाइन था. योर बिहेवियर वॉज आउट ऑफ लाइन था. अगर आप इसको प्रेजेंट टाइम में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तुम्हारा बिहेवियर बहुत गलत है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है. योर बिहेवियर इज आउट ऑफ लाइन. योर रिमार्क्स आर आउट ऑफ लाइन. ठीक है, थर्ड सेंटेंस, इट इज़ ग्रेट टू फाइनली मीट यू इन पर्सन. मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज आपसे आखिरकार मिलना हो गया. लेट सपोज यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट समवन, और मे बी यू आर कनेक्टेड टू समवन डिजिटली, पर आप उनसे कल मिलने जाते हैं, तो आप उनको मिलकर क्या कहेंगे कि आज आपसे मुलाकात हो ही गई, बहुत अच्छा लगा. तो इट इज़ ग्रेट, ये बहुत ग्रेट है, इट इज़ ग्रेट
दूसरा एक्शन जोड़ने के लिए अक्सर हमें टू चाहिए होता है. इट इज़ ग्रेट क्या टू फाइनली मीट यू इन पर्सन. इन पर्सन मतलब रियलिटी में किसी से मिलना. फोर्थ सेंटेंस, शी इज आउट ऑफ योर लीग. शी इज का मतलब है, मतलब मैं आपको प्रेजेंट टाइम में आपको कोई सजेस्ट कर रहा है, मैं नहीं, कोई प्रेजेंट टाइम में आपको सजेशन दे रहा है. शी इज आउट ऑफ योर लीग. आउट ऑफ योर लीग, आउट ऑफ योर लीग, वो है तुम्हारी औकात से बाहर. आई नो हिंदी बहुत मेलो ड्रामेटिक लगती है, मतलब अजीब ही लगती है कभी कभी, है ना, पर इंग्लिश थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लगती है. तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना सीखो, मतलब कि यू नो शी इज़ नॉट ऑफ योर लेवल, शी इज़ सुपीरियर टू यू, मे बी शी इज़ मोर ब्यूटिफुल, शी इज़ मोर टैलेंटेड, सो यू आर जस्ट गिविंग अ फ्रेंडली सजेशन टू योर फ्रेंड कि भाई तेरे बस की चीज़ नहीं है, शी इज़ आउट ऑफ योर लीग. एक इंग्लिश मूवी भी है इस नाम से, आप वो मूवी देख सकते हैं. सो शी इज़ आउट ऑफ योर लीग. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट है हमारे पास एक वर्ड, इंजीनियस. इंजीनियस का मतलब वेरी स्किलफुल. बंदे के लिए बात कर रहे हो तो मतलब आप कह रहे हो बहुत इंटेलिजेंट और स्किल्ड है. किसी चीज़ की बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि वो चीज़ बहुत ही ब्यूटिफुली, बहुत स्किलफुली डिज़ाइन करी गई है. वर्ड है इंजीनियस. इंजीनियस सेंटेंस इस पर आते हैं. शी इज़ एन इंजीनियस स्टूडेंट. वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. That is an ingenious idea. किसी ने बहुत अच्छा आपको idea दिया है तो कहें oh, that's an ingenious idea. Your teaching method is ingenious. एक method की बात करी है तो is आया है. अगर हम लगाते your teaching methods तो हम आर लगा देते. पर अब कुछ नया add on करते हैं. Let's say आपको मेरे से पूछना है question कि क्या वो बहुत ज़्यादा intelligent है. तो जब हिंदी में question क्या से शुरू होता है तो ये हेल्पिंग वर्ब आपकी खुद के सबसे पहला पोजीशन ले लेती है, यहाँ पर आ जाती है. तो सेंटेंस बन गया, इज़ शी एन इंजीनियस स्टूडेंट. और अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि क्या वो एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा. इज़ है तो उसके बाद आएगा, वॉज है तो उसके बाद आएगा. ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, मतलब नॉट और हेल्पिंग वर्ब बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो जहाँ इज़ जाता है वहाँ नॉट भी उसके साथ चला जाता है. तो अब आपने कहा क्या वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है, तो इज़ नॉट बन गया इज़न्ट. इज़न्ट कॉन्ट्रैक्शन, इसको साथ में आप इज़न्ट प्रोनाउंस करें, इज़न्ट. इज़न्ट शी एन इंजीनियस स्टूडेंट. इसी तरह क्या ये आपका बैग नहीं है, इज़न्ट इट योर बैग. क्या ये आपकी सिस्टर नहीं है, इज़न्ट शी योर सिस्टर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने सीखे हैं. अब आओ इस सेंटेंस पर, दैट इज़ एन इंजीनियस आइडिया. आपका लिए छोटा सा होमवर्क, आप इसको पास्ट टाइम में करके कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या होगा, कि वो एक बहुत अच्छा आइडिया था पर नहीं चल पाया. इज से हम वॉज पर आए हैं. योर टर्न, मेक अ सेंटेंस या आप इससे एक क्वेश्चन बनाएं. क्या वो एक बहुत ही अच्छा आइडिया था. आपकी टर्न है. योर टीचिंग मैथड इज इंजीनियस. अब यहाँ पर लेट से आपने एक सेमिनार अटेंड किया, वहाँ पर आपको उस ट्रेनर के टीचिंग मैथड्स बहुत अच्छे लगे. अब आप सेमिनार से बाहर आ गए हैं तो आप क्या कहेंगे, दैट ट्रेनर्स टीचिंग स्टाइल वॉज इंजीनियस. इसी से आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर. और नेक्स्ट है हमारे पास कुछ वर्ड्स, एनॉयड, वरिड, स्केयर्ड, मेजमराइज्ड, डिसअपॉइंटेड. देखो आप इज़ मार के साथ जब ये वाली एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं तो इसके साथ ईडी नहीं लगाते, उससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है या गलत हो जाता है. अगर मैंने कहा आई वॉज अ लिटिल एनॉयड, पास टाइम की बात है, मैं पुरानी सिचुएशन की बात कर रही हूँ, मैं एनॉयड थी, मैं एनॉइंग थी या मैं एनॉय थी, यहाँ पर हमेशा ईडी लगाओ अगर स्टेट की बात कर रहे हो. उस बंदे की क्या स्थिति है, वो बहुत गुस्से में था, नाराज था, एंग्री था, इरिटेटेड था, तो आई वॉज अ लिटिल एनॉयड. पर अगर आप मेरे को बता रहे हैं कि वो बंदी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थी, बहुत चिढ़ा देने वाली थी, तो आप कहोगे शी वॉज अ लिटिल एनॉइंग. यहाँ पर ing आ गया. इसी तरह अगर आप कहते हैं मैं इंटरेस्टेड हूँ या मैं इंटरेस्टिंग हूँ, ed आप यूज़ करेंगे जब आप उसकी स्टेट बता रहे हो कि येस आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस प्लान. और अगर आपने कहा कि
दिस आई एम वेरी मच इंटरेस्टिंग, तो इसका मतलब हो गया कि एज अ पर्सन आप बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और हम ऐसे नहीं बोलते. तो छोटी छोटी मिस्टेक्स को हमें साथ के साथ ठीक करते हुए आगे बढ़ना है. दैट इज़ सो अनोइंग. मतलब लेट्स से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है बाहर से, तो मैं कहूँगी दिस इज़ सो अनोइंग, आई कांट स्टैंड इट. मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ इसको, इट इज़ सो अनोइंग. पास्ट में ले जाना है, वो बहुत अनोइंग था, जो भी था वो बहुत अनोइंग था. दैट वॉज सो अनोइंग. क्वेश्चन करना है, क्या वो बहुत अनोइंग था? क्या वो बहुत अनोइंग था? क्या से क्वेश्चन शुरू हुआ है, लास्ट में सेंटेंस के था आया है, तो वॉज जंप करके पहली पोजिशन पर आ जाएगा. लड़का था, वॉज ही अनोइंग. सिचुएशन थी तो इट लगाओ, वॉज इट अनोइंग. बंदी थी, वॉज शी अनोइंग. और अगर आप मेरे से कन्फर्म कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा अनोइंग नहीं थी बंदी, तो आप कहोगे वॉजंट. नॉट है हेल्पिंग वर्ब्स का फ्रेंड, तो वो वॉज के साथ पहली पोजिशन पर आ गया और ये सेंटेंस बन गया वॉजंट. वॉजंट शी क्वाइट अनोइंग, क्या वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं थी? वॉजंट शी क्वाइट अनोइंग. इसी तरह ये सेंटेंस है, आई एम अनोइड विद हिम फॉर टर्निंग अप सो लेट. मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज हूँ क्योंकि वो देर से आया. टर्न अप मतलब आना, ये एक हेल्पिंग वर्ब है. सुने और रिपीट करें, आई एम अनोइड विद हिम, आई एम अनोइड विद हिम फॉर टर्निंग अप सो लेट, फॉर टर्निंग अप सो लेट. परफेक्ट. इसी तरह मैं डरी हुई हूँ, आई एम स्केयर्ड. मैं निराश हूँ, आई एम डिसअपॉइंटेड. वो निराश था, ही वॉज डिसअपॉइंटेड. क्या वो नाराज था? क्या बनेगी इंग्लिश? कॉमेंट सेक्शन में बताओ. क्या वो नाराज था? इसकी भी बनाओ. क्या वो नाराज नहीं था? वॉजंट ही डिसअपॉइंटिंग. अगर कोई चीज़ डिसअपॉइंटिंग है, मतलब वो दूसरों को निराश करने वाली है. जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया और आपने शायद पूरा नहीं किया, तो मैं कहूँगी दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. सिचुएशन डिसअपॉइंटिंग है, पर मैं डिसअपॉइंटेड हूँ. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. और सिचुएशन कैसी है? बहुत निराशाजनक. सो द सिचुएशन इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. ठीक है. नेक्स्ट एडजेक्टिव, मेसमराइज्ड. मतलब आप किसी चीज़ की खूबसूरती में पूरी तरह से खो गए थे. आई वॉज मेसमराइज्ड बाय योर परफॉर्मेंस. आई वॉज मेसमराइज्ड बाय हर ब्यूटी. मैं उसकी खूबसूरती में बिल्कुल खो गया था. और अगर कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो कि ये पेंटिंग बहुत ही मेसमराइज्ड है, नहीं, ये मेसमराइज करने वाली है. सो दिस पेंटिंग इज मेसमराइजिंग. हर आइज आर मेसमराइजिंग. और आप क्या हो रहे हो? आप मेसमराइज्ड हो रहे हो. आई होप डाउट क्लियर हुआ हो. नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ. नेक्स्ट वीडियो में फिर से कवर करेंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर. ही इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर. मतलब वो यूजुअल प्लेयर से बहुत ऊपर है, एक्सेप्शनल है, बिल्कुल अलग. He is an exceptional player. You are an exceptional singer. I have never seen anyone like you. ठीक ऐसे ही जैसे you guys are exceptional students. Next sentence, she is quite knowledgeable. Knowledgeable, pronunciation है, knowledgeable, knowledgeable. मतलब उसकी knowledge बहुत vast है, वो बहुत intelligent है. She is quite knowledgeable. You guys are quite knowledgeable. क्या वो बहुत नॉलेजेबल है? क्या वो प्रोफेसर बहुत नॉलेजेबल हैं? ट्रांसलेट करो अपनी कॉपी में या कमेंट सेक्शन में, पर साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो. इट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी. बोलने का सही तरीका, इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट. द वर्ड्स शुड रोल आउट ऑफ योर माउथ. बिल्कुल फ्लुएंटली आने चाहिए सारे शब्द आपके मुँह से बाहर. तो ये सेंटेंस है, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. मतलब मेरे बस की बात नहीं है ये, मैं इस काम में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ और ना ही मुझे ये अच्छा लगता. तो अगर कोई मुझे बोलेगा मैथ्स पढ़ा दो, प्लीज़ आप ही मैथ्स पढ़ा दो, क्योंकि सॉरी मैथ्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. मैथ्स मेरे बस की बात नहीं है और मैं इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ. या एक बहुत सरकास्टिक सा, बहुत प्यारा सा सेंटेंस, आई एम नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी. मतलब मैं हर बंदे की बस की चीज़ नहीं हूँ कि मेरे को हर कोई हैंडल कर पाए. आई एम नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी. नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ माई एज. मतलब वो मेरी ही उम्र का है. सेंटेंस, क्या वो आपकी उम्र की है? इज़ शी योर एज. पास्ट टाइम में ले जाते हैं आप तो बस वॉज आ जाएगा.
क्या वो आपकी उम्र की थी? वॉज शी योर एज? आप बनाएं. क्या वो आपकी उम्र की नहीं थी? ट्रांसलेट करें. क्या वो आपकी उम्र की नहीं थी? और कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं चेक करूंगी या अपनी नोटबुक पे लिखे. व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू? तुम्हें हुआ क्या है? पर इसे ऐसे नहीं बोलना. हाँ, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू? बोलो व्हाट इज़. व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू? व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू? व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू? हाउ इज़ एवरीथिंग? मतलब सब कैसा है? जब क्वेश्चन बनाते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दो और उसके बाद आएगा इज एम आर. जैसे आप बोलते हो वो कौन है, तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश आती है. हु इज ही. वो कौन था, पास्ट है, तो यहाँ पर हु वॉज ही. क्या वो आपका ब्रदर था, इंटरोगेटिव है. क्या से क्वेश्चन शुरू हुआ है, वॉज पहले आ जाएगा. वॉज ही योर कजन? क्या ये आपकी सिस्टर है, इज शी योर सिस्टर. क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कि ये कितने रुपए का है, हाउ मच इज इट फॉर. हाउ मच इज इट फॉर, ये कितने रुपए का था. हाउ मच वॉज इट फॉर, इज एम आर और वॉज वर, है, था. घर पर सब कैसा है. हाउ इज एवरीथिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग. मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको वेट कराया. बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं, आप इन्हें रोज यूज करने वाले हैं. आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग, पर अपनी स्पीकिंग वॉइस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, तो सुनें और रिपीट करें. आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग. आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग. नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे पास सेंटेंस है, मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन माई वे. इन सब सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, सिर्फ स्टेट बताया है. मैं कहाँ हूँ, रास्ते में. आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते में था. आई वॉज ऑन माई वे. शी इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट एंड अ हैवी गैम्बलर. देखो, शी इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब वो बहुत खर्चीली है. शी इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट. अब हैवी गैम्बलर, गैम्बलर मतलब जो लोग जुआ खेलते हैं. अब देखो यहाँ पर हमने इसके साथ एक और शब्द लगाया, हैवी, और इस शब्द को लगाने से ये आपस में दोनों शब्द बहुत सुंदर लग रहे हैं. इसको इंग्लिश में कोलोकेशंस कहते हैं. हैवी गैम्बलर, शी इज़ अ स्पेंडथ्रिफ्ट एंड अ हैवी गैम्बलर. ही इज़ अ माइज़र. माइज़र मतलब कंजूस. वो कौन है, वो कंजूस है. ही इज़ क्लोज फिस्टेड, इसका सिनोनिम है. वो क्लोज फिस्टेड है मतलब बहुत कंजूस है. He's a miser or he's close-fisted. क्या आप कुछ sentences बनाने की कोशिश करेंगे is am are और was were से? मुझे उम्मीद है कि comment section में हमारे पास कुछ इतने beautiful sentences का एक collection आने वाला है कि कोई भी नया user जब इस video को देखेगा तो वो आपके sentences से भी सीखेगा. On this note, let's talk about the third part of the video, कि vocabulary याद कैसे करनी है. Ninja technique क्या है vocabulary याद करने की. जैसे आपको शब्द याद करना है spendthrift, आपको इस शब्द के साथ एक memory register करनी है, क्योंकि आपके पास जो भी यादों में चीज़ें हैं वो हमेशा सेव रहेंगी, वो आप कभी नहीं भूलोगे. तो आप एक शब्द को किसी एक मेमोरी के साथ जोड़ दो. कोई ऐसा समय याद करो जब आपने देखा हो कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा हो, तो आप उस बंदे का नाम, लेट्स से जैक है, तो आपने कहा जैक इज़ अ स्पेंडथ्रिफ्ट, ही स्पेंड्स अ लॉट. तो जैक इज़ अ स्पेंडथ्रिफ्ट, शी इज़ अ स्पेंडथ्रिफ्ट. कोई बंदा कंजूस है जो आपको लगता है यार कभी पैसे ही नहीं खर्च करता. एक ऐसा सिचुएशन सोच लो जब कभी ऐसा हुआ कि दूसरे बंदे ने पैसे नहीं खर्च करे, सारा पैसा आप ही को पे करना पड़ा. उस मेमोरी के साथ क्लोज फिस्टेड वर्ड को लिंक कर दो. याद करो वो कौन कौन लोग हैं जो कंजूस हैं. तो ही इज़ क्लोज फिस्टेड, जैक इज़ क्लोज फिस्टेड, मीरा इज़ क्लोज फिस्टेड. उसके बाद दो दिन के बाद इस वर्ड को रिवाइज कर लो. ये वर्ड आपकी सबसे एक्टिव मेमोरी में सेव हो जाएगा और आप इसको इजीली यूज़ कर पाएंगे. अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना. जिन लोगों के साथ आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना. कोई सजेशन या फीडबैक है तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता देना. आई विल वर्क ऑन दैट. ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू वेरी सून. इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स आने दो, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय.